एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन आपके साथ। एंड इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगी कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वांटम के क्वेश्चन, जिससे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट अप कर सकूं एंड आपको एक पाथवे दे सकूं कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए देखिए, ठीक है? ओके, द स्पेशल पार्ट ऑफ अ, ये क्वेश्चन है जून का 17 का, ठीक है? इट्स क्वेश्चन बिलोंग टू जून 17 पेपर ऑफ जून 14 पेपर ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम। द स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इन इट्स ऑफ द एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 1s1 1s2। द स्पिन पार्ट वुड बी, मुझे क्या बताना है कि मुझे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल पार्ट और मुझे बताना है इसके अंदर स्पिन पार्ट मेरा क्या होगा। देखो, आपने जितना की मेरी सीरीज में ऑब्जर्व किया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन चाहे आप जून 11 का पेपर उठा के देख लें या जून 19 का पेपर उठा के देख लें, हर बार आपको इस तरह क्वेश्चन एक ना एक पक्का मिलेगा जो वो एग्जाम में जरूर देता ही देता है। तो और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है? थोड़ा और एलोबरेट करती हूँ मैं आपके कॉन्सेप्ट को, जिससे आपको इसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ यू कैन डू द अटेम्प्ट द क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है? इस ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, बताती हूँ। देखो, सी, अभी मैंने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया था जिसके अंदर उसने क्या गिवन था, एक्साइटेड स्टेट की बात की थी उसने, ठीक है? ही डिस्कस्ड अबाउट द एक्साइटेड स्टेट। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरा क्या था, वो स्टेट क्या थी मेरी, ट्रिपलेट स्टेट थी, क्योंकि उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या थी, ये वाली थी, ठीक है? ओके, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था ट्रिपलेट लेके। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है, ग्राउंड स्टेट गिवन है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हम कैसे लेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ग्राउंड स्टेट, ही इज सेइंग द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या बोल रहा है, 1s1 और क्या बोल रहा है, 1s2, ठीक है? 1s1 1s2, ठीक है? ये बोल रहा है ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो मुझे बताना है स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है 1s1 1s2, तो मुझे बताना है इसका स्पिन पार्ट क्या होगा, ठीक है? ओके, ये क्या है, स्पेशल पार्ट गिवन है कि 1s1 और 1s2, ठीक है? मतलब अब मुझे इसका स्पिन पार्ट बताना है। देखो, 1s1 1s2, ठीक है, α1 α2 की फॉर्म में बन गया, ये कौन सा है, सिमेट्रिक है, ठीक है? ये सिमेट्रिक पार्ट है, तो ये क्या है मेरा गिवन है, स्पेस पार्ट गिवन है मुझे, ठीक है? जब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक होगा तो स्पिन पार्ट क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है? देन स्पिन पार्ट कम्स आउट टू बी एंटीसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है? तो मुझे इनमें से चूज करना है मेरा एंटीसिमेट्रिक कौन सा है। जैसे कि पहले बता चुकी हूं, मेरे पास चार पॉसिबल होते हैं, एक क्या होता है α1 α2, एक क्या होता है β1 β2, ठीक है? ओके, एक क्या होता है α1 β2 + β1 α2, और चौथा क्या होता है α1 β2 - β1 α2, ठीक है? और इनका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, 1/√2। तो इन चारों स्टेट को पहले ही बता चुकी हूं मैं आपको, इन चारों स्टेट में से पहली तीन स्टेट क्या होती है, सिमेट्रिक के अंदर आती है, और चौथी क्या आती है, एंटी सिमेट्रिक के अंदर। तो जब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट क्या होगा मेरा, एंटी सिमेट्रिक, so that the resulting wave function will be antisymmetric corresponding to fermions, ठीक है? ओके, क्योंकि ये फर्मियोन का केस है, ठीक है? That's how the answer comes out to be D, ठीक है? और एक चीज और है, अगर आपको ये भी याद नहीं है कौन सा symmetric है कौन सा antisymmetric है, तो क्वेश्चन में ना एक चीज चूज करना कि सेम टाइप का क्या है। देखो, ये तीनों क्या है, ये तीनों पार्ट क्या है, α1 β2, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, सिमेट्रिक आते हैं। तो इनमें से मैं कैसे चूज करूंगी कौन से वाला, कुछ मेंशन नहीं है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मेरा एक एंटी सिमेट्रिक ही बनेगा ऑड। तो जस्ट हल्का सा आपको दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन करना कैसे है। कुछ लोग तो स्मार्टली सिर्फ कुछ भी ना आते हुए भी निकाल लेते हैं, अगर हल्के से भी नॉलेज हो कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? यू कैन डू द क्वेश्चन लाइक दैट। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साई इज If psi is 0.8a plus 0.4b is a normalized molecular orbital of a diatomic molecule AB. ये क्वेश्चन है जून का 2014 का, ठीक है? 2014 का क्वेश्चन है ये। From phi and phi b which are also normalized, मुझे क्या निकालना है, ओवरलैप निकालना है between phi and phi b, ठीक है? We have to find out the overlap between phi and phi b.
तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, एक नॉर्मलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा है। ओवरलैप इंटीग्रल क्या होता है, एस को डिनोट करते हैं एज ओवरलैप इंटीग्रल। तो ये उसी पार्ट से मेरा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब उसने क्या गिवन है, साई वेव फंक्शन गिवन है। पहले आप वेव फंक्शन को लिख लो, सबसे पहले साई क्या गिवन है, 0.8 फाइव ए प्लस 0.4 फाइव बी। अब आपको पता है कि मेरी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, साई इज इक्वल टू सी वन फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू। तो ये क्या है मेरे, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कोफिशिएंट, ठीक है। C1 कितना है यहाँ पर, 0.8 है। C2 मेरा कितना होता है, 0.4। अब मुझे क्या निकालना है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, C1 स्क्वायर प्लस 2 C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2S इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरी क्या है कंडीशन, जब ओवरलैपिंग हो रही है दोनों ऑर्बिटल के बीच में, कोई ना कोई कॉमन पार्ट हो जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला निकालने वाला ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके निकालूंगी, C1 मुझे गिवन है 0.8 का स्क्वायर, C2 गिवन है 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.4 इंटू एस इज इक्वल टू 0 एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। 0.8 का स्क्वायर क्या होगा, 0.64, 0.4 का स्क्वायर 0.16, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 4, ठीक है, ये भी कितना आएगा, 0.64 इंटू एस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 0.80 इज इक्वल टू 0.64 इंटू एस, ठीक है। यहां से मुझे क्या निकालना है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल एस निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.80 सॉरी नॉर्मलाइज है तो वन होगा ना, वन होगा, मैं गलती से जीरो लिख गई, ठीक है, बिकॉज नॉर्मलाइज होता है वेव फंक्शन, ठीक है, तो ये वन के इक्वल होगा। तो क्या होगा, 0.1 माइनस 8.0.80, तो यहां से एस क्या आ जाएगा, 0.64, एस इज इक्वल टू 0.20, ठीक है, एस इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.64, मतलब 20/64, ठीक है, तो 0.3 के अबाउट, नियर अबाउट आएगा आंसर, ठीक है, दैट इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, आया समझ में, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बस इस तरीके से निकालते हैं, बस आपको उसको याद करने का तरीका क्या है, कोई भी ऑर्बिटल गिवन है, अगर देखो अब वो ओवरलैप के बारे में बात कर रहा है, तो देखो या तो हमारा क्या होता है, मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होने के लिए क्या होना चाहिए, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वन के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब ओवरलैपिंग है कुछ कॉमन पार्ट कंटेन करता है तो इसमें एक ओवरलैपिंग इंटीग्रल एस आ जाता है, तो टू सी वन सी टू एस इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अ पार्टिकल, अ पार्टिकल इज इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, इज परटर्बड बाय डेल्टा फंक्शन दिस इन द मिडल ऑफ बॉक्स, द करेक्ट फर्स्ट ऑफ द करेक्शन एनर्जी ऑन द ग्राउंड स्टेट विल बी, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ एल है, उसको परटर्बड किया है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, देखिए अभी क्या गिवन है मुझे, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ एल है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी निकालना है। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट होता क्या है, एवरेज वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू परटर्बड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, साई वन स्टार डेल एच साई वन डी टू, ये होता है मेरा, ठीक है, फॉर्मुला। माई फॉर्मुला इज दिस टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब मुझे गिवन है जीरो से एल वाला बॉक्स, और परटर्बेट ये इस मिडल ऑफ बॉक्स के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर परटर्बड किया गया है, ठीक है। तो मेरा क्या है, बॉक्स का मेरा वेव फंक्शन क्या होता है, अंडर रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये मेरा वेव फंक्शन है। परटर्बड पार्ट मुझे किस फॉर्म में गिवन है, डिराक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में, तो डिराक एक्स माइनस एल बाय टू, ठीक है, अंडर रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट, इसकी लिमिट कहां से कहां होगी, जीरो से एल, क्योंकि बॉक्स की लेंथ क्या है, एल के इक्वल है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर किस तरीके से हम आगे करेंगे, देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आगे देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो मेरा इसको आप पहले जो इसके अंदर है रूट टू बाय एल, रूट टू बाय एल क्या बन जाएगा, टू बाय एल जीरो से एल। अब ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, उसने ग्राउंड स्टेट के लिए बोला है ना, देखो तो एन की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन
पाई एक्स अपॉन एल डिराक एक्स माइनस एल बाय टू, ठीक है, साइन पाई एक्स अपॉन एल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगी। देखो आपको पता है मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो इसमें गिवन भी है हिंट में, लेकिन वो हर बार नहीं देता है हिंट। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स, अगर क्या होता है, देखो मैं आपको डिराक डेल्टा फंक्शन सॉल्व करना बताती हूँ। ये होता है मेरा डिराक फंक्शन, ठीक है। अगर जो एल बाय टू है, जो जैसे मान लो डिराक एक्स माइनस ए है, ठीक है, कोई भी है मान लो ए, और उसकी लिमिट जो निकाल रहे हैं वो क्या है, जीरो से टू ए है, ठीक है। जब जो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इसको कैसे हम निकालते हैं आपको बताती हूँ, देखो प्रॉपरली, देखो जस्ट देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो x माइनस एल बाय टू है इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, एल बाय टू, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ सॉल्व करने का, ठीक है, ये एक साइड में आप मैं बता रही हूँ सॉल्व करने का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एल बाय टू। तो हम चेक करते हैं कि जो x की वैल्यू है वो इस लिमिट के बीच में लाए कर रही है, हाँ लाए कर रही है, जीरो लेस देन एन लेस देन एल बाय टू। तो क्या होता है, जब जो ये डिराक की वैल्यू होती है ये इसकी लिमिट के बीच में लाए कर रही होती है, तब जो कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फंक्शन जहां पे x है उसको आप l बाय टू वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। और कैसे सॉल्व कर लेंगे हम इस इंटीग्रेशन को, देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, टू बाय एल जीरो से एल, ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। आके देखिए अब कैसे करेंगे, 2 बाय एल जीरो से एल, इतना बात आ गया, यहां तक हो गया क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, यहां पे कर देती हूँ, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, 2 बाय एल जीरो से एल, इसका क्या हो गया, मतलब ये इसके बीच में लाए कर रहा है, तो इस कंप्लीट पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, जो पूरा का पूरा मैंने इंटीग्रेशन पार्ट यूज किया है, इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स या एल बाय टू, मतलब साइन पाई एल बाय टू इंटू एल और साइन पाई एल बाय टू इंटू एल, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा रिजल्ट। एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, साइन 91 के इक्वल होता है तो 1 होगी, तो आंसर क्या आ गया, 2 बाय एल विल बी द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम डिराक डेल्टा फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो बस आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है डिराक डेल्टा वाला फंक्शन के लिए, जब भी जो भी लिमिट हो जीरो से ए, फंक्शन गिवन है, ठीक है, डिराक एक्स माइनस ए एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो अगर ये जो वैल्यू है, ए बाय टू ले लो यहाँ पर, अगर जो ये जो लिमिट की वैल्यू है वो इस इंटीग्रल के बीच में लाए कर रही है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बाय टू जीरो से ए के बीच में लाए कर रहा है, तो कंप्लीट इंटीग्रल में जहां भी आप एक्स है उसके जगह आपके आउटपुट कर देंगे ए बाय टू, यही मेरा क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट, यही मेरा क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन की एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो गिवन है, कर सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फोर स्टेट सच दैट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल इज। एक्चुअल में ये क्वेश्चन दो ब्रांच का टुगेदर, मतलब इकट्ठा करके किया हुआ है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या गिवन है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर स्टेट्स सच दैट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिकल। मुझे क्या बताना है कि वो माइक्रो स्टेट जिस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जिसमें दो पार्टिकल को चार स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है, यहाँ पर दो गिवन है, एनर्जी स्टेट कितने गिवन है, चार गिवन है, मुझे क्या निकालना है, टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो आपको पता है कि मेरा क्वांटम का पोस्टुलेट होता है कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्मियॉन, जो इलेक्ट्रॉन टाइप के पार्टिकल होते हैं उनका टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। तो मतलब मुझे इस बात से समझ में आया है कि मेरा ये किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, फर्मियॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मुझे क्या निकालना है, फर्मियॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी एनर्जी स्टेट गिवन है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एम फैक्टोरियल बाय एम माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने ई से एनर्जी स्टेट को नोट किया है, एन पार्टिकल है, एम एनर्जी स्टेट्स है, यहाँ पर आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एनर्जी स्टेट चार, फोर फैक्टोरियल बाय फोर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, तो फोर थ्री इंटू टू फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये कट गया, टू टू जा फोर, तो कितनी आ गई, सिक्स आ गई, ठीक है, दैट्स हाउ सिक्स विल कम्स आउट टू बी आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए,
चार, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला हो गया, ठीक है, एंड फोर्थ भी। देखिए आगे, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई वन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल, मुझे बताना है इसमें से कौन सी टर्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ क्या रीजन होता है पॉसिबल ना होने का, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी, पाई वन ये किसके टाइप का बन रहा है, बोरॉन, बी टू टाइप मॉलिक्यूल बन रहा है ये, ठीक है, बट मैं सीधा आपको बताती हूँ इसने क्या गिवन है, पाई वन लास्ट एनर्जी स्टेट उसने क्या गिवन है, पाई वन, ठीक है, ये गिवन है मुझे पाई वन, इसका निकालना है मुझे। अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या निकालोगे, यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज पाई वन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, लैम्डा वन वन, ठीक है, लैम्डा टू वन, एस वन वन बाय टू, एस टू वन बाय टू, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू से लेकर लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, मतलब क्या होगी, एक तो वैल्यू क्या पॉसिबल है टू और एक पॉसिबल क्या होगी जीरो, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, टोटल स्पिन पार्टिकल क्या होता है, एस वन प्लस एस टू से लेकर एस वन माइनस एस टू तक, तो मतलब क्या होगी वन और जीरो, ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज ये आ गई। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, टू एस प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट, ठीक है। अब मुझे बताना है टू और जीरो कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, जब मैं मोल का टर्म सिंबल लिखती हूँ तो जीरो कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा, और टू ए कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है डेल्टा, सिग्मा पाए डेल्टा पाए ये यूज करते हैं हम, ठीक है। अब देखो मेरे कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, थ्री सिग्मा, थ्री डेल्टा और वन सिग्मा और वन डेल्टा, अब ये चार पॉसिबल मेरे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा अलाउड नहीं है मुझे यही निकालना है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, थ्री डेल्टा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, रीजन क्या होता है, देखो इसके लिए क्या होगी, थ्री का मतलब क्या है, स्पिन की वैल्यू कितनी है थ्री, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा कब आएगा, जब L1 और L2 क्या है, दोनों वन के लिए इक्वल है, दो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसे नहीं होते इनके लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सेम हो, जिसमें थ्री सिग्मा के लिए लिखूंगी, ठीक है, थ्री सिग्मा के लिए लिखूंगी तो क्या है, इसमें लैम्डा वन क्या है वन, लैम्डा टू क्या है माइनस वन, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही कि हो सकते हैं, ठीक है, दो एस वन, और ऐसे ही मैं इसके लिए लिखूंगी वन सिग्मा के लिए, इसके लिए भी क्या है लैम्डा वन वन, लैम्डा टू माइनस वन, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है वन, डेल्टा के लिए क्या होगा लैम्डा वन वन, लेकिन इसे कोरस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू वन बाय टू, लैम्डा वन वन लेकिन एस की कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी माइनस वन बाय टू, यहाँ पर क्या है एस वन और एस टू की वैल्यू भी दोनों क्या है वन बाय टू, कोई भी मेरा जो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, क्वांटम के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल नहीं होता दो पॉसिबल, दो क्वांटम नंबर की वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, ठीक है, दैट्स वाई थ्री डेल्टा इज नॉट एक्सेप्टेबल, और यही मेरा आंसर होगा, थ्री डेल्टा इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिस्कस किए फोर क्वेश्चंस, फाइव क्वेश्चंस, ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ओके। तो बस आपको बेसिकली जो याद रखनी है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्वांटम के एडवांस पार्ट से है, पर्टर्बेशन के बाद वाले, ठीक है, ओके। प्लीज गिव द रिव्यू ऑफ द वीडियो, एंड अगर आप इस सीरीज को चाहते हैं या फिर कुछ और आपकी रिकमेंडेशन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू एंड गुड डे, ठीक है, डोंट बी नर्वस, हैप्पी लर्निंग।